हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर नीता गुप्ता और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड दिस वीडियो इज ऑन अबाउट कॉर्न्स, फूड कॉर्न्स। तो इस वीडियो में हम फूड कॉर्न के बारे में बात करेंगे, जो और आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको पता चले कि फूड कॉर्न क्या होता है और इससे कैसे रिलीफ होता है, रिलीफ मिल सकते हैं और इसके क्या क्या कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे फूड कॉर्न को हम ठीक कर सकते हैं दवा खाके। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या होता है, चलिए तो इस वीडियो को हम स्टार्ट। त्वचा की एक मोटी परत होती है जो कि प्रेशर और फ्रिक्शन के वजह से जो हमारी त्वचा होती है वो बेल के समान गाढ़ बनने लगती है, जिसको हम फूड कॉर्न बोलते हैं, जिसको गोरखू होने के क्या कारण है। वैसे तो फूड कॉर्न किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर वृद्धावस्था में होती है। क्यों होती है, इस उम्र में इनके जो फैटी टिश्यू होते हैं वो कम हो जाती है, जो त्वचा की जो परत होती है मोटी परत वो कम हो जाती है, जिसकी फ्रिक्शन और प्रेशर के कारण की वजह से वहाँ पे हम कॉर्न्स बढ़ने लगते हैं। तो हम आइए हम इस वीडियो को हम जानते हैं कि किन किन कारणों की वजह से होते हैं। अगर आपको हम जानते हैं कि कॉर्न्स क्यों होते हैं, कॉर्न्स होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि अगर आप बिना चप्पल के अगर आप बाग में जा रहे हैं या किसी गार्डन में जा रहे हैं और चप्पलें नहीं पहन रहे हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जिनके पैरों में पसीने होते हैं, जिनके पैरों के तलवे में बहुत ज़्यादा पसीने होते हैं, उनमें भी ये गुरगुर देखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप हील होती हैं वो हाई हील्स जो लोग पहनते हैं वो प्रेशर की वजह से भी उनको गुरगुर देखा जाता है। पॉइंट जैसे कि बाहर के किसी सामान से ठोकर लग जाते हैं या कील गड़ जाते हैं या किसी कंकड़ पत्थर से पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, तो उनके वजह से भी ये कॉर्न्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्यों होता है, उसके बाद अगर आप कोई स्टाइल वाले शूज़ पहनते हैं, जैसे कि सभी लोग आज लोग पहनते हैं, तो उनमें भी जो कंफर्टेबल फील नहीं होता है उसके वजह से भी आपको कॉर्न्स देखने को मिलेगा। और जो लोग शूज़ पहन लेते हैं, डायरेक्ट शूज़ पहन लेते हैं, सॉक्स नहीं पहनते, उनमें भी ये देखा जाता है। लेकिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो उनको शूज़ पहनाया जाता है, वो बहुत हार्ड होते हैं, हार्ट की वजह से भी बच्चों में भी कॉर्न्स देखा जाता है। इन्हीं कारणों की फिटिंग के शूज नहीं पहनते हैं या सैंडल नहीं पहनते हैं, उनके में भी कॉर्न्स देखा जाता है। उसके बाद जो लोग नंगे पैर रहते हैं उनमें भी देखा जाता है। तो अब ये बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये आपके पाम्प्स में भी हो सकते हैं और आपके फुट पे भी हो सकते हैं, जो सोल्स होते हैं वहाँ पे भी हो सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। आपके फिंगर के बीच में जो पैर के फिंगर होते हैं उनके बीच में भी ये कॉर्न्स देखे जाते हैं, आपके एरियो में भी कॉर्न्स देखे जाते हैं। ये कॉर्न्स ज़्यादातर ये डेड सेल होते हैं, जब हमारी बॉडी प्रेशर पड़ने लगती है फ्रिक्शन की वजह से, हमारी जो स्किन होती है वो डेड, जो सेल्स होते हैं वो डेड होने लगती हैं। तो वो जो एरिया है आप ध्यान देंगे कि वो बाहर से हार्ड होते हैं लेकिन अंदर से साफ होते हैं, और जो एरिया होता है वहाँ पे स्वेलिंग और रेडनेस भी रहती है और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आप बहुत लोग उसको कैंची से निकाल देते हैं या किसी कील से करके चाकू से भी निकाल सकते हैं, सुइयों से निकाल देते हैं, और निकालने के बाद उनको दर्द नहीं होता क्योंकि वो डेड स्किन होते हैं। उसके बाद उनमें देखते हैं कि फिर से वही चीज़ें हो जाती हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आप इस चीज़ को ठीक करें। बहुत लोग इसको सर्जरी भी लोग करवाते हैं लेकिन सर्जरी के बाद ये फिर से हो जाता है। कॉर्न्स की अब इसकी बात करेंगे, ये कैसे दिखते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता, ये किसी भी स्ट्रक्चर में दिख जाते हैं, जो लेकिन गांठ की तरह होते हैं, गांठ के चारों ओर थोड़ा स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, और ये कॉर्न्स की लाइक होती है। जैसे कॉर्न्स जैसे भुट्टे होते हैं वो जैसे बाहर से हार्ड होते हैं, अंदर सॉफ्ट होते हैं और वो हल्का येलो कलर के होते हैं, वैसे ही कॉर्न्स होते हैं, इसी के नाम से कॉर्न्स आया है, फूड कॉर्न। और अब बात करेंगे हम इसकी प्रिवेंशन पे, इसकी प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। प्रिवेंशन निम्न तरीके से है, पहला है अपने जो शूज होते हैं, जूते होते हैं, आप अपने साइज़ के पहने, और जो ज़्यादा हील पॉइंटेड वाले जो हील्स होते हैं, नुकीले हील्स होते हैं, उनको अवॉइड करें। उसके बाद आप नंगे पैर बिल्कुल ना रहें, और अगर आप पानी में जा रहे हैं, पानी से आ रहे हैं, तो आप अपने पैरों को ढंग से पैरों को अच्छी तरह से सुखा लें और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लें। उसके बाद अपने नाखूनों को काट कर रखें, जो नाखून होते हैं वो सूज के जो
उंगलियों के नाखूनों को काट कर रखें, क्योंकि जो हमारे शूज होते हैं और नेल्स आपके सिर आपस में टकराते हैं जिससे दबाव बनने लगती है और वो धीरे धीरे वो पांच तक रूप ले लेती है। पैरों को क्रविंग ब्रश से रोज साफ करें। उसके बाद आप अपने पैर साफ सुथरी सॉक्स पहने, आप सॉक्स जरूर पहने जब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करके आप कॉल से बच सकते हैं। कॉल के ट्रीटमेंट की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या कौन सी मेडिसिन है कि यूज करके आप एक महीने या दो महीने में रिलीफ मिल सकता है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ दवा और आप ये जरूर लें। सबसे पहले है, पहली मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूड। ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है कॉल्स में। अगर आपको कॉल्स हो रहे हैं, दर्द है, स्वेलिंग की अपील हो रहा है, तो आप एंटीमोनियम क्रूड 30 पोटेंसी में ले सकते हो और आप धीरे धीरे पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं, 200 पोटेंसी में ले सकते हैं बाद में। उसके बाद ये कैसे यूज़ करना है, दो दो ड्रॉप 3 टाइम बरकरार तंग लेना है। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है आप थूजा। थूजा भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, जब अगर गांठें बन जाती हैं कॉल्स में, बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। आप थूजा 30 पोटेंसी में आप 3 टाइम्स ले सकते हैं, डायरेक्टली अंदर दो दो ड्रॉप ले सकते हैं और इसको साथ में आप दवा चला सकते हैं। और उसके बाद हाइपेरिकम 30 पोटेंसी, हाइपेरिकम भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है कॉल्स के लिए, तो आप हाइपेरिकम 30 पोटेंसी में लें सुबह दोपहर शाम। अगर आप पोटेंसी बढ़ा रहे हैं तो आप इसको 2 टाइम कर देना है, सुबह शाम लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट मेडिसिन है साइलेंसिया और रेनिकुलम बल्बोस, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये दोनों भी, तो आप ये दोनों साथ में चला सकते हैं। और लास्ट मेडिसिन की बात करेंगे लीडम पाल बहुत अच्छी मेडिसिन है आप कॉल्स के लिए। फुट कॉल्स अगर आपको हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, एड़ियों में दर्द हो रहे हैं, आपके पंजों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है और रेडनेस है, येलो कलर के आ रहे हैं, हार्ड स्किन है, तो आप लीडम पाल 200 पोटेंसी में ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम दो दो ड्रॉप ले सकते हैं। आप ये सारी मेडिसिन साथ में अगर आप लें तो आपको एक महीने में या 1.5 महीने में आपको रिलीफ मिल जाएंगे। आपके जो गोरखपुर के या कॉल्स की प्रॉब्लम है वो आप से रिलीफ मिल जाएगा।